हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिड बेंचर्स क्लासेस। हेलो स्टूडेंट्स, सो हमने पेज नंबर 5 तक कंप्लीट किया था। आज हम पेज नंबर 6 तक कंप्लीट किया था। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद पेज नंबर 7, दैट इज अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। विल द वेलोसिटी ऑफ अ स्टोन थ्रोन वर्टिकल अपवर्ड्स रिमेन कॉन्स्टेंट और विल इट चेंज विद टाइम। समझो आपने कोई पत्थर फेंका ऊपर, ठीक है, वो जो स्पीड से जा रहा है वही स्पीड उसकी रहेगी वेलोसिटी, या वो कांस्टेंट हो जाएगी या तो चेंज हो जाएगा। हाउ विल इट चेंज, व्हाई डजंट द स्टोन मूव अप ऑल द टाइम, क्यों वो चेंज होता है, क्यों स्टोन हमेशा ऊपर की तरफ ही क्यों नहीं जाता, व्हाई डज इट फॉल डाउन टू अर्थ, ठीक है, एक हाइट के जाने के बाद वो नीचे आता है ना गिर के, तो क्यों होता है एंड व्हाट डज इट मैक्सिमम हाइट डिपेंड अपॉन, तो इसके पीछे क्या रीज़न है। सो हमने बोला कि पहला क्या है, विल द वेलोसिटी of a stone thrown vertical upward remain constant or will it change? Okay, and what will happen? देखो कोई भी चीज़ अगर आप ऊपर फेंकोगे, ऊपर फेंकने के बाद एक टाइम के बाद वो नीचे गिरने ही वाला है, तो इट विल कम डाउन आफ्टर रीचिंग सम हाइट। ओके, वॉट विल हैपन, इट विल कम डाउन आफ्टर रीचिंग सम हाइट। फिर पूछा इट velocity remains same, और क्या पूछा, और change। देखो जब आप ऊपर की तरफ फेंक रहे हो तो जैसे ऊपर जाएगा धीरे धीरे उसका वेलोसिटी कम होगा, और जैसे ही वो एक हाइट पर पहुंचेगा वो नीचे आने की कोशिश करेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, है ना। इट विल बी जीरो, देन स्टोन विल स्टार्ट ओके कमिंग डाउन एंड इट वेलोसिटी विल चेंज। हाउ विल इट चेंज, कैसे चेंज होगा, इट विल रिड्यूस वाइल गोइंग अपवर्ड। जैसे आप कोई चीज ऊपर फेंकते हो ना तो उसकी स्पीड कम होने लगती है, जैसे जैसे ऊपर आता है उसकी स्पीड क्या होने लगती है, कम होने लगती है। एंड विल इट मूव अपवर्ड ऑल द टाइम, हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा कि नहीं, एक हाइट तक जाने के बाद क्या होगा, वो जो भी आपने स्टोन फेंका है वो नीचे आने की कोशिश करेगा। क्यों होता है, क्योंकि अर्थ का क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्ट करता है वो ऑब्जेक्ट को, कोई भी ऑब्जेक्ट को, और कहाँ है वो, इट इज़ द सेंटर ऑफ द अर्थ। ओके, इट अट्रैक्ट टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। देखो यहाँ दिया है, द अर्थ अट्रैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट नियर इट टूवर्ड इट्सेल्फ because of the gravitational force, okay, because of what, because of gravitational force, the center of mass of the earth is situated at its center, to apna earth hai, earth ka jo mass of center hai wo kahan situated hai, center pe, so the gravitational force of any object due to earth is always directed toward the center, to koi bhi object aap upar fekte ho uska jo aane ka ye hai wo hamesha earth ke center pe aane ka ye koshish karta hai, because of this force an object falls फॉल्स वर्टिकली डाउनवर्ड ऑन द अर्थ, यही फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट क्या होता है, नीचे गिरता है। सिमिलरली वेन वी थ्रो अ स्टोन वर्टिकली अपवर्ड, आप जब कोई स्टोन ऊपर फेंक रहे हो, दीज फोर्स ट्राइज टू पोल इट डाउन, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या करता है, वो पत्थर को नीचे खींचने की कोशिश करता है एंड रेड्यूसेस इट वेलोसिटी, और उसकी वेलोसिटी को क्या करता है, रेड्यूस करता है, मीन्स कम करता है। ड्यू टू दिस कॉन्स्टेंट डाउनवर्ड पुल, मतलब ये अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमेशा चीज़ों को अपनी तरफ खींचता है ना, तो ये कॉन्स्टेंट डाउनवर्ड पुल जो है उस वजह से क्या होता है, उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है एंड आफ्टर वाइल द पुल कंटिन्यूज टू बी एग्जर्टेड, और वो ज़्यादा होता है एंड द स्टोन स्टार्ट मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड, उस वजह से स्टोन क्या होता है, नीचे की तरफ गिरने लगता है टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ अंडर इट्स इन्फ्लुएंस। तो ये आपको पार्ट समझ में आया ना, आपको अभी अगेन एक सॉल्ट एग्जाम्पल से दो। नाउ हियर सम इज गिवन, कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ ऑन महेंद्रा इन द अर्लियर एग्जाम्पल, जो हमने 75 kg 80 kg का जो एग्जाम्पल देखा था, अब उसमें ही हमको महेंद्रा जो एग्जाम्पल 1 है, एग्जाम्पल 1 में महेंद्रा का मास क्या था, 75 kg, हमें बताना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ का क्या होगा महेंद्रा पर ऑन अर्लियर एग्जाम्पल। ओके, विल स्टार्ट डूइंग दिस। सो एग्जाम्पल 1, हमें मास ऑफ द अर्थ क्या दिया गया है, मास ऑफ द अर्थ इज दैट इज इक्वल टू m1, क्या दिया है आपको, 6 × 10⁴ kg, ठीक है, ये मास ऑफ द अर्थ है। मास ऑफ महेंद्रा क्या है, लास्ट सम में हमने देखा था मास ऑफ महेंद्रा इज 75 kg, मास ऑफ महेंद्रा, महेंद्रा इज अ बॉय, इज मास इज, देखो वेट नहीं बुलाता है मास बुलाता है, हम गलत वर्ड यूज करते हैं मास बोल के, इट्स 75 kg। एंड रेडियस ऑफ द अर्थ, रेडियस होता है आर, रेडियस यहाँ m2 ले लिया हमने मास ऑफ महेंद्र, रेडियस ऑफ अर्थ दैट इज आर इज इक्वल टू 6.4 × 10⁶ मीटर। ओके,
और ग्रेविटेशन का तो वैल्यू आपको पता है, दैट इज जी इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. दिस मच इज क्लियर टू यू ऑल. नाउ यूजिंग द फोर्स लॉ, आपको कौन सा लॉ यूज करना है, फोर्स लॉ. द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन महेंद्र ड्यू टू अर्थ इज गिवन बाय, दिस फोर्स इज वॉज 1.83 इंटू 10^9 टाइम्स. ये हमने कब देखा था 1.83 इंटू 10^9 टाइम्स. लार्जर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन महेंद्र एंड विराट. तो वॉट इज अवर फॉर्मूला, फोर्स इज इक्वल ग्रेविटेशन इंटू मास वन इंटू मास टू अपॉन वॉट रेडियस स्क्वायर. ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था. तो अब जी क्या है, 6.67 इंटू 10^-11. एम वन इज वॉट 6 इंटू 10^24 एंड एम टू इज वॉट 75 अपॉन आर स्क्वायर. ओके, आर स्क्वायर है 6.4 इंटू 10^6 होल स्क्वायर. इतना पार्ट क्लियर आप लोगों को. अब हम इनको ओपन करेंगे और सबको एक साथ लिखेंगे, 6.67 इंटू 6 इंटू 75 इंटू 10^24 माइनस 11. एक साथ लिख दिया हमने और इसको भी लिख लेंगे, 6.4 इंटू 6.4 इंटू 10^12. इतना पार्ट सबको क्लियर. अब इसके बाद ये आपको मिलेगा 6.67 इंटू, ये मल्टीप्लाई कर लीजिए 6 5 30, 6 7 42, 45 450 हो गया. ठीक है, इंटू 10^13. ठीक है, इतना पार्ट क्लियर. अपॉन 6.4 इंटू 6.4 इंटू 10^12. ठीक है, ये सब तो क्लियर हो गया आप. अब ये 10^12 को भी हम ऊपर ले लेंगे तो 13 - 12 हो जाएगा. ठीक है, और ये इसका डेसिमल निकालने के लिए हम नीचे और ऊपर 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा. इसको ऐसा लिख देते हैं, सॉरी, 667 अपॉन 100, इसका मतलब सेम होता है 36.67 इंटू 450. ठीक है, इंटू 100 अपॉन, यहाँ आ जाएगा 64 इंटू 64. देखो ये 100 कहाँ से आया कि हमने ये पॉइंट निकाला इसलिए 100 यहाँ मल्टीप्लाई किया. इंटू 10^13 माइनस 12. इतना क्लियर आप लोगों को. अब ये 100 और ये 100 कट हो गया, आपके पास क्या बचा, 667 इंटू 450 इंटू 10 अपॉन 64 इंटू 64. फाइन, अब वापस ओपन कर दीजिए, 667 इंटू 4500 अपॉन 64 इंटू 64. ठीक है, अब इसको हम लोग टूज, इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे. 4 1 4 4 6 24 4 1 4 4 1 4 4 2 8 4 5 20. तो 1125 मिल गया और 16 मिल गया हमें. ठीक है, अब अगेन क्या करेंगे, 1125 को 16 से डिवाइड करेंगे, देख लेना है. 1125 डिवाइड बाय 16, 16 1 16 16 7 112. ठीक है, ये 0 हो गया और ये 5 आ गया. 5 छोटा नंबर है, 16 0 0 5. पॉइंट डालिए, यहाँ 0 आ जाएगा. 16 3 0 48. ठीक है, 2 आ गया, 0. 16 1 16 40. 16 2 32. ऐसे कंटिन्यूस होते रहेगा. हम लेंगे 70.32. ओके, अब इट्स इक्वल टू 667 इंटू 70.32 अपॉन 64. अगेन ये डिवाइड करिए, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2 3 6, 2 5 10, 2 1 2, 2 6 12. अगेन 2 16, हाँ ये जाएगा, 2 1 2, 2 7 14, 2 5 10, 2 8 16. अगेन 2 से जाएगा, ये 8 हो गया और ये हो गया 8.79. ठीक है, अब 8.79. ठीक है,
अब मैं 667 को 8 से डिवाइड कर रही हूँ, ठीक है। 8 1 8 8 8 64 हो गया, ये 2 आ गया, 7 8 3 24 हो गया, 3 पॉइंट डालिए आप, 0 आ जाएगा, 8 3 24 देन 60 8 7 56 4 ऐसे करते करते जाएगा। तो अब आपको क्या मिला यहाँ, 83.37, ठीक है, इतना पार्ट क्लियर, 83.37 तक मिल गया। उसके बाद आपको आंसर आएगा 83.37 इंटू 8.79, मल्टीप्लाई करो 83.37 इंटू 8.79, तो आप मल्टीप्लाई करो तो आपको क्या मिलेगा, 8337 इंटू 879, 9 7 63, 9 3 27, 28 29 30, 9 3 27, 28 29 30, 9 8 72, 73 74 75, fine, 7 7 49, 7 3 21 25, 7 3 21 22 23, 7 8 56 57 58, ठीक है, 8 7 52 8 7 56, 5 कैरी, 8 3 24, 24 प्लस 5 29, 8 3 24, 25 26, 8 3 64, 67, 65, 66, ऐसा कुछ हो जाएगा, 3 9 11 10 18, 8 plus 6 14, 14 plus 8 is 22 11 12 13 and 7, तो आपको 7 3 2 0.8 ऐसा कुछ मिलते जा रहा है, 8 1 9 3, है ना, बेटा, तो इट्स इक्वल टू 7 3 2 0.81, ओके, ये अप्रॉक्स में जा रहा है पूरा ऐसा, ठीक है, इट्स इक्वल टू, अब ये क्या करेंगे हम, ये 8 का जो 1 है यहाँ ले लेंगे, ठीक है, आप 8 भी लिख सकते हो बस इतना ही, तो 7 3, ये क्या हो जाएगा, 3 न्यूटन। आंसर समझ में आपको कैसे आया है, इस तरीके से आपको समझ आएगा। तो हमें आंसर पूछा गया था कि व्हाट इज़ द फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन महिंद्रा, इट इज़ 733 न्यूटन, इट इज़ 733 न्यूटन। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। अब नेक्स्ट सम में चलते हैं, इक्वल टू क्या बोला है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट व्हाट विल बी महेंद्रस वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के बाद महेंद्र की वेलोसिटी क्या होगी, इफ ही इज फॉलिंग डाउन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, अगर वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे गिर रहा है, ठीक है। तो अब हमको फोर्स क्या मिल गया महेंद्र का, ग्रेविटेशनल फोर्स 733 न्यूटन हमें पहले वाले एग्जाम्पल में कर लिया, ठीक है। अब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, फोर्स मिल चुका है, महेंद्र की मास क्या है, टाइम इज 1 सेकेंड, ओके, तो मास ऑफ महेंद्र जो है वो क्या है, 75 kg, ये हमको पता है, ये सब दिया है, ठीक है। अब ढूंढना क्या है, आपको क्या ढूंढना है, इसका वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड इफ इज फॉलिंग डाउन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके, वेलोसिटी ढूंढना है, फाइनल वेलोसिटी। सो एज यू नो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी किसको इक्वल है, यू प्लस ए टी, ये फाइनल वेलोसिटी है, वी यू इनिशियल वेलोसिटी है, ए एक्सलरेशन है एंड टी टाइम है, ये याद रखना है, टी टाइम है, ठीक है, ये बट उसके पहले हमें फोर्स निकाल लेना है, बेटा ये बाद में करेंगे, एफ इज इक्वल टू एम ए, मास इंटू एक्सलरेशन, एफ क्या है हमारे पास 73 इक्वल, मास इज 75 इंटू ए, देयरफॉर आपको ए क्या मिल गया, आपको जब ए चाहिए इसके लिए ए ढूंढना बहुत जरूरी है, 733 अपॉन 75, ठीक है, ये आपको मिल गया। अब इसको पहले सॉल्व कर लो, 733 अपॉन 75 कैसे मिलता है डिवाइड करके, 733 को डिवाइड करना आपको 75 से, ओके, 75
टेन्स आई 750, तो 75 नाइन्स रखेंगे, 75 नाइन्स आ, 9 फिफ्स फाइव आ 45, 9 सेवन्स आ 63, 64, 65, 66, 67, 673 मिल रहा है, 675 मिल रहा है। इसको माइनस करिए, कट 13 क्या हो गया, ये 8 हो गया, 12 कट 12 5 हो गया। अब पॉइंट डालिए, यहाँ ज़ीरो हो जाएगा। अब 75 सेवन्स आ देखेंगे, 75 सा 35, 77 सा 49, 50, 51, 52 क्या आया, 52, 525 माइनस करिए, 5, 7 माइनस 2 5, अगेन एक ज़ीरो डालिए, वापस 7 से जाएगा। तो हम अप्रॉक्सीमेट करके इधर इतना स्टॉप कर लेंगे, ठीक है। सो ये आपको ए क्या मिल गया, 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपको क्या मिल गया, एक्सेलरेशन मिल गया। तो एज यू नो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फाइनल वेलोसिटी दैट इज वी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। वी फाइनल वेलोसिटी, यू इनिशियल वेलोसिटी, ए एक्सेलरेशन एंड टी टाइम, ये याद रखो। आपके पास फाइनल वेलोसिटी नहीं है, इनिशियल क्या था, जीरो था, ए क्या मिला 9.77 एंड टी क्या है आपके पास, 1 है, तो 0 प्लस 9.77 इज 9.77 ओनली। और अब उससे कोई भी नंबर मल्टी 1 मल्टीप्लाई करो, आपको क्या मिलेगा, वो नंबर ही मिलेगा। तो आपकी फाइनल वेलोसिटी क्या है, 9.77 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो दिस इज 1.83 इंटू 10 रेस टू 9 टाइम्स महेंद्रस वेलोसिटी इन एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 देखो ऑन पेज 6। उसमें 5.34 था, तो यही बोला गया है कि वो क्या है, दिस इज 1.833 इंटू 10 रेस टू 9 टाइम्स महेंद्रस वेलोसिटी इन एग्जाम्पल 2 ऑन पेज 6। सो दिस वॉज योर सम, दिस वॉज योर सम। सो आगे चलते हैं, ये लास्ट पेज कंप्लीट कर लेते हैं। थर्स इफ द अर्थ अट्रैक्ट्स एन एप्पल, जैसे हमने देखा न्यूटन को क्या, न्यूटन ने अपने लॉज कैसे बनाए कि ही वॉज सिटिंग अंडर अ ट्री, एप्पल ट्री, एन एप्पल फेल डाउन, ओके, और वो सीधा जमीन पर आया, वर्टिकली यहाँ नहीं गया, राइट में नहीं गया, लेफ्ट में नहीं गया, वो सीधा जमीन पर आके गिरा। तो जैसे एप्पल अर्थ को अट्रैक्ट होता है, द एप्पल ऑल्सो अट्रैक्ट द अर्थ टूवर्ड्स इट्सेल्फ विद द सेम फोर्स। वाई देन द एप्पल फॉल टूवर्ड्स द अर्थ, एप्पल क्यों नीचे गिरा, बट द अर्थ डज नॉट मूव टूवर्ड्स अर्थ, अर्थ तो हमारा हिल के ऊपर नहीं जा रहा ना, बट एप्पल नीचे आ रहा है, तो एप्पल क्यों नीचे गिरता है, कोई भी चीज़ आप ऊपर उड़ाते हो वो नीचे क्यों आता है, रीज़न क्या है, द ग्रेविटेशनल फोर्स, जो भी हम क्यों आता है नीचे, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द अर्थ ऑल्सो एक्ट्स ऑन द मून, ये फोर्स सिर्फ अर्थ के कोई भी ऑब्जेक्ट पे नहीं, यूनिवर्स के प्लैनेट्स पे भी अट्रैक्ट होता है, मून को भी अट्रैक्ट होता है, बिकॉज ऑफ विच इट रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ। वो अट्रैक्शन की वजह से जो हमारे प्लैनेट्स हैं, अट्रैक्शन की वजह से वो प्लैनेट्स क्या करते हैं, गोल 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 घूमते हैं, या मून गोल गोल घूमता है अर्थ के। सिमिलर सिचुएशन एग्जिस्ट फॉर द आर्टिफिशियल सेटेलाइट, जो सेटेलाइट्स हम लोग ने भेजा, ह्यूमन मेड सेटेलाइट, जो मैन मेड सेटेलाइट्स हमारे स्काईज में, गैलेक्सी में है, जिससे हमको न्यूज़ के बारे में, एटमॉस्फेयर के बारे में, क्लाइमेट कंडीशन के बारे में, और भी जो हम लोग चैनल्स देखते हैं टीवी पर, या हमारे फ़ोन कॉल्स होते हैं, ऐसे सेटेलाइट्स, ये सब भी इसी तरह वर्क करते हैं ऑर्बिट्स में, ओके। द मून एंड द मून हमारा जो है नेचुरल सेटेलाइट है, एंड द आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स ऑर्बिट द अर्थ, द अर्थ अट्रैक्ट्स देम टूवर्ड्स इट्सेल्फ, बट अनलाइक द फॉलिंग एप्पल, अर्थ अट्रैक्ट करता है बट वो गिरता नहीं, क्यों नहीं करता, बिकॉज दे डू नॉट फॉल ऑन द अर्थ। वाई, दिस इज बिकॉज ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द मून, क्यों, वेलोसिटी ऑफ द मून भी उतना ही है कि वो भी अट्रैक्ट कर रहा है, एंड द सेटेलाइट्स अलॉन्ग दर ऑर्बिट। इफ दिस वेलोसिटी वॉज नॉट देयर, अगर ये वेलोसिटी नहीं होती, कब का हर चीज अर्थ पर गिर गया होता या मून कहीं और चला गया होता, आपको पता ही नहीं चलता। ये वेलोसिटी की वजह से, और उनकी भी अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, इसके लिए क्या होता है, वो ऑर्बिट में ही गोल 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 चक्कर काटते रहते। तो ये आपका आज पेज नंबर 7 था, जो कि हमने अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा। कल हम नेक्स्ट पेज में जाएंगे, दैट इज पेज नंबर 8, दैट इज वेरी ऑल्सो इम्पोर्टेंट एक्सेलरेशन पार्ट। टिल देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, टेक केयर, बाय।